नमस्कार दर्शक दोस्तों, सूरत चैनल ना चालो एमने मळीए कार्यक्रम में आपनु हार्दिक स्वागत छे अने स्वागत छे समग्र भारत नी अंदर सूरत शहर नु नाम रोशन करनार एवा विद्यार्थी मित्रों नु के जेमे आखा सूरत नी अंदर टॉप नी अंदर स्थान प्राप्त कर्यु छे, राष्ट्रीय कक्षाए पण तेमणे पोतानुं स्थान अंकित करीने आपणा सौनुं गौरव वधार्युं छे। આજે મિત્રો છે તેઓ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્સી રવિભાઈ છાવછેડિયા અને આદિત્ય, એમના બ્રધર આદિત્ય છાવછેડિયાના નેતૃત્વ હેઠળ શિક્ષા પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે અને એક બુલંદ ઉત્સાહથી તેઓએ પોતાના જીવનનું જે અંતિમ ધ્યેય, અંતિમ લક્ષ્ય ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ બનવાનું એ સ્વપ્ન તેમણે પૂર્ણ કર્યું છે। આપ તમામ મિત્રોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। તો રવિજી, હમ હિન્દી મેં બાત કરેંગે, કહીં પણ ચાલે હિન્દી। તો રવિજી બતાઈએ, સબસે પહેલે તો યહાં પર જો વિદ્યાર્થી દોસ્તો બેઠે હૈ ઉનકી व्यक्तिगत परिचय देंगे आप और उन्होंने कौन सा क्रम प्राप्त किया है वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। नमस्कार दर्शक मित्रों, फ्रेंड्स, आज हम सब सूरत के जो सितारे हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स में टॉप परफॉर्मेंस किए हैं सीए में, उनसे मिल रहे हैं। सबसे पहले ओके, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस विथ अविनाश कोठारी, जिन्होंने सीए फाइनल में सूरत टॉप किया है। सूरत फर्स्ट रैंक है and all India 25th rank hai. Oh. And he is also having gold medal in the paper of corporate law and indirect taxes at present information, and we are expecting ke aur 2 or 3 subjects mein gold medal honge. And then we are having in CA common proficiency test, jo CA ka first level hai, jo CA ka foundation course hai, okay, usme Surat center ke topper with 92% marks and 184 out of 200, which is a great total, okay, Madhav Joriwal. And then we are having along with Madhav Joriwal, Abhishek Chhaparwal has also scored 184 out of 200. Wo just abhi hame join kare within 5 minutes. Okay, we are having Silpa Surana, jinhone 190% out of 200 score kiya in CACPT, which is again bahut zabardast marks hai. Then Himanshu Agarwal, jinhone again 178 out of 200, okay, he is also having great total, okay, 89%. Mohit Goyal and Aishwarya Garg, उनके भी 178 है out of 200. And ये सभी students Surat center में first rank पे, second and third rank पे center toppers out of 1500 plus students. Then Himanshu Jain, जिनका 176 है out of 200, okay. और आज हम इन सब से मिलेंगे और इनसे inspiration, जिसको हम कहते हैं inspiration to aspire for a greater success, जिन्होंने बेसिक लेवल से लेकर लास्ट लेवल तक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है और सूरत में जो लास्ट 10 ईयर्स से सी ए फाइनल, सी ए सी पी टी, सी आई पी सी सी, ऑल द लेवल्स जो सूरत का रिजल्ट नेशनल लेवल पे साइन हो रहा है, उसे कंटिन्यू किया है। राइट, रवि जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और अभिषेक जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, आदित्य जी कि आपके नेतृत्व में ये सब हुआ है। रवि जी मुझे ये बताइए कि कितने विद्यार्थी ये लास्ट फाइनल के एग्जाम में बैठे थे और सीपीटी में भी कितने बैठे थे? ऑल ओवर इंडिया सीए फाइनल में 45,000 प्लस स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी थी एंड उसमें इंडिया के टॉप 50 रैंक्स डिक्लेयर किए जाते हैं और सीए सीपीटी में ओके अराउंड 80,000 प्लस स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी थी, ओके, जिसके अभी एग्जैक्ट फिगर्स इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर अपलोड करेगी, ओके, वो कल तक अपलोड करेगी, बिकॉज आज सबके इंडिविजुअल रिजल्ट्स आ जाते हैं एंड विद द टोटल लाइक सूरत सेंटर का रिजल्ट पता चलता है। तो दर्शक दोस्तों, ये करीबन 40 से 45 हज़ार दोस्तों में से हमारा सूरत का जो बेटा है वो 25वें नंबर पे पूरे राष्ट्र में आया है, वो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। अविनाश जी से बात शुरू करते हैं। अविनाश जी आप माइक हाथ में लीजिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जितनी भी एम्स थी, लक्ष्यांक थे, वो सब खत्म हो चुके हैं आज और एक बड़ी अच्छी घड़ी आपके लिए, आपके कुटुंब के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए और हमारे शहर के लिए ये बड़ी अगत्य की क्षण है। तो पहले तो आप बताओ आपकी पूरी लाइफ स्केच, आप स्कूलिंग कहाँ से किया, हाई स्कूलिंग कहाँ से किया, कॉलेज कहाँ से किया और सीए में जो पहले 3 साल मतलब ये जो थे उसमें आपने कितने क्रमांक प्राप्त किए और इस सफलता का यश आप किस किस को देना चाहते हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं। जी जरूर, मैं अविनाश कोठारी, मैंने मेरी स्कूलिंग 7th एडवेंटिस्ट स्कूल से कंप्लीट की है। स्टैंडर्ड फर्स्ट से 12th स्टैंडर्ड तक मैं सारी पढ़ाई वहीं पे की है। 12th स्टैंडर्ड मैंने जब अपनी स्कूल छोड़ी तब मैं सूरत में फर्स्ट था और जोर से एंड आई वाज फर्स्ट इन सूरत इन आईसीएसई एग्जाम्स व्हेन आई पास्ड आउट माय 12th एग्जाम्स
एंड आफ्टर दैट आई जॉइंड SPB कॉमर्स ऑफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स फॉर परसुइंग माई BCom कोर्स एंड साइमल्टेनियसली आई हैव ऑल्सो बीन परसुइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स एंड आई एम एसोसिएटेड विद द इंस्टीट्यूट CPS अंडर द गाइडेंस ऑफ रवि सर एंड आदित्य सर आई हैव बीन एबल टू अचीव ऑल इंडिया लेवल 8th रैंक इन CS CPT एग्जाम्स वेन आई वॉज इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज एंड आफ्टर दैट when I appeared for IPCC exams, that too under the guidance of Ravi sir and Aditya sir, I was able to get All India 33rd rank. And so ये तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये कह सकते हैं national ranking. No, but it takes a huge amount of effort to achieve and to get these results. And even now, I am still associated with this institute, CPS. And today, it's only because of Ravi sir and Aditya sir that I am able to get All India 25th rank this time again. Right, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कभी फेल होने का तो प्रॉब्लम हुआ ही नहीं होगा कि चलो भाई एक बार हो जाओ दूसरी बार ट्रायल दो तीसरी बार ट्रायल दो ऐसा तो हुआ नहीं. नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ. हौसले जिनके बुलंद होते हैं मंजिल हमेशा उनको मिलती है. क्या बात है क्या बात है. तो अविनाश जी इतनी बड़ी सफलता का यश में आप किस किस को भागीदार बनाना चाहते हैं. रवि जी और आदित्य जी की बात तो है ही लेकिन इसके अलावा जो कॉलेज में आप पढ़े हैं जो स्कूल में आपने संस्कार प्राप्त किए हैं जिन शिक्षकों के पास आपने नैतिक मूल्यों के ग्रहण किया है उनके बारे में भी आप कुछ बताओ. बड़े तौर पे अगर किसी का कंट्रीब्यूशन रहा है तो फैमिली का रहा है. हमेशा से एक सपोर्ट रहा है मम्मी का पापा का दीदी का सबका. तो उनके सपोर्ट की वजह से मेरे अंदर एक मोटिवेशन है. आई इंस्पायर टू ड्रीम बिग टू अचीव बिग and to make it big. And family के अलावा अगर बात की जाए तो ज़्यादातर श्रेय जाता है मेरे दोस्तों को. जो भी मेरा ग्रुप था या जिस एनवायरनमेंट में मैं ग्रो हुआ हूँ और ऐसा नहीं है कि मेरे ग्रुप में सिर्फ मैंने ही अचीव किया है. मेरे और भी कई दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे भी अच्छा परफॉर्म किया है और कई ऊँचाइयाँ हासिल की है. तो उस एनवायरनमेंट में एक दूसरे के साथ रह के ग्रो करना काम करना आगे बढ़ना वो एक बड़ा फैक्टर रहा है कि मेरे रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली इतने अच्छे आते रहे हैं. तो ज़्यादातर श्रेय मैं उन्हीं को दूंगा. राइट अब स्कूल में जब आप थे बाद में कॉलेज आपने हासिल किया. अभी कॉलेज में थे तो CA कभी होता ही नहीं है. इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द आइदर यू हैव टू डू इट अलोन और एल्स यू हैव टू टेक द सपोर्ट ऑफ द ट्यूशन क्लास. यस नाउ टेल मी द डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड ट्यूशन क्लास. स्कूल एंड ट्यूशन क्लासेस differ largely on various parameters and school is more or less like a formal education. There are various systems, there are various protocols under which guidance is provided in a school. The inner creativity and the intellectual stimulation which tuition classes are able to provide, schools cannot match those parameters. And this is the basic reason why I feel that tuition classes are more in a better position to provide good education and good learning than schools. This is my personal opinion. Right now, अभी आपकी क्या महत्वाकांक्षा रह गई है? CA तो आप हो चुके हो. As of now, after becoming a chartered accountant, first of all, I wish to enjoy this coming 2-3 days. And this is the shortest goal. Yeah. और अगर एक लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहें तो मैं चाहता हूं कि मैं फाइनेंस की फील्ड में कुछ ना कुछ करूं, कुछ और कंट्रीब्यूशन करूं फाइनेंस की फील्ड में. क्योंकि फाइनेंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें इंटेलेक्ट भी यूज़ होता है फिलॉसफी भी यूज़ होती है और चांस भी होता है. सो गिवन दीज थ्री थिंग्स आई एम वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स द फील्ड ऑफ फाइनेंस and I wish to do something great in the field of finance. Right, दर्शक दोस्तों बात करें अविनाश कोठारी जो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए हैं. पूरे राष्ट्र में 25वां नंबर उन्होंने प्राप्त करके पूरे शहर का नाम रोशन किया है. हम उन्हीं के साथ बात में आगे बढ़ते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट में हमने देखा है कि अब ये ज़माना नहीं रहा कि सिर्फ ऑडिटिंग, बहुत सारी फील्ड इनमें भी आ चुकी हैं. आप पर्टिकुलर किसी में जाना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू गो फॉर द सेम
ऑडिटिंग सेक्शन और समथिंग एल्स यू वांट टू डू? इस इरा की अगर बात की जाए तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन की जो प्रैक्टिस है वो अपकमिंग है. अपकमिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो बिल है जो डिस्कस किया जा रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन है हमें कि वो आने वाले 2 या 3 सालों के अंदर या अगले साल में ही पास हो जाएगा. तो आई विश एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू क्रिएट अ नेम इन द फील्ड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन. राइट, आप इतने चिंतनशील स्टूडेंट हैं क्योंकि आपके पास एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है, छोटी उम्र में भी आपने जो अचीवमेंट प्राप्त किया है. तो मुझे थोड़ा विषय से हटके आपके साथ बात करना है. मैं राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप अर्थतंत्र को अच्छी तरह से समझते होंगे, अर्थतंत्र को अच्छी तरह से जानते होंगे. आर यू हैप्पी विथ अवर प्रेजेंट करंट इकोनॉमी? टू सम एक्सटेंट यस, टू सम एक्सटेंट नो. गिव द रीजन फॉर बोथ. मैं अपनी इकोनॉमी से सेटिस्फाइड इसलिए हूँ क्योंकि देश ने गंदे से गंदा पीरियड भी जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए था उसको भी एक बेहतरीन तरीके से झेला है और पास हुई है. जब 2008 के रिसेशन की अगर मैं बात करूं तो जब वर्ल्ड इकोनॉमी श्रिंक हुई थी करीब 1% से इंडियन इकोनॉमी ग्रो हुई थी उस टाइम पे. तो ये एक बड़ी बात है कि अपनी इंडियन इकोनॉमी जो है उस बुरे दौर से भी गुजर चुकी है और बेहतरीन तरीके से गुजरी है. और इकनॉमी से अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ पर्सनली तो उसका रीज़न यही है कि इंडिया में पोटेंशियल काफ़ी है बट ड्यू टू सम रीजंस, कुछ कारणों की वजह से भारत उस मुकाम पे पहुँच नहीं पा रहा है. चाहे वो आप करप्शन ले लो या पॉलिटिकल सिस्टम ले लो या लीडर्स की कमी होने को आप कारण बता दो, कुछ तो है. हम और ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं, हमारे में वो पोटेंशियल है, वो ताकत है, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं. तो उसके जो कारण है उससे मैं डिससेटिस्फाइड हूं. राइट, बहुत अच्छी बात आपने बताई और यही सोच के साथ आप आगे चलिए क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो सबसे बड़ा भय चिन्ह अब हम लोग जो देख रहे हैं वो नैतिक मूल्यों के साथ कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं, ये भी हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है. मॉरल एथिक्स और जो सोच आपने रखी है वो सोच को लेकर अगर आप सीए के प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे तो देश का बहुत बड़ा अच्छा योगदान आपका रहेगा, ये मेरा मानना है. हम आगे बढ़ते हैं और काफ़ी दर्शक दोस्तों के साथ बात करते हैं. माधव जोड़ीवाल जिन्होंने 92% मार्क्स प्राप्त किए हैं, सूरत सेंटर में खुद फर्स्ट आए हैं. माधव जी, पूरा का पूरा आपने बात सुना, यू ऑल्सो टेल मी योर प्रोफाइल, स्कूलिंग, कॉलेज, सी ए की ये पहली परीक्षा है, ये पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, आपने नाम की शुरुआत तो कर दी है, तो ये सब बातें बताएं. मैंने अहमदाबाद से स्टार्ट किया था, फर्स्ट जूनियर फर्स्ट सेकंड मैंने अहमदाबाद किया है. फिर मैं यहाँ पे सूरत शिफ्ट हो गया, सूरत में मैंने 3rd से लेकर 12th तक अग्रवाल विद्या विहार स्कूल में स्टडी की है और फिर उसके बाद सर के पास CPS में मैंने ज्वाइन किया, 10th के बाद ही ज्वाइन कर लिया था और फिर 2 साल की कंटिन्यूस कोचिंग के बाद आज CPT में इतना अच्छा स्कोर है. आप कॉलेज नहीं करते? कॉलेज अभी जस्ट स्टार्ट. कौन सी कॉलेज? DRB कॉलेज मैंने जस्ट अभी जस्ट, मतलब DRB में आप अभी पढ़ रहे हैं? हाँ, वेरी गुड. और DRB में अभी और साल भी करेंगे और जो भी कुछ आपका योगदान रहेगा CA में वो भी उनकी कॉलेज के क्षेत्र छाया के नीचे रहेगा, ऐसा तो हम कह सकते हैं? हाँ हाँ, उसी के. ठीक है, आपने बताया कि आप अहमदाबाद से, तो पहले से आप अहमदाबाद में रहते थे? आपके बैकग्राउंड क्या है, पिताजी माताजी क्या करते? पापा राजस्थान से थे, वो 14 ईयर्स में अहमदाबाद शिफ्ट हो गए थे, फिर वहाँ पे अपना बिजनेस कैरी किया, वहाँ पे बिजनेस बंद होने के कारण फिर यहाँ पे आ. अच्छा, तो फिर ये भी अभी सूरत में ही है? हाँ सब. अभी यहाँ क्या करते हैं? टेक्सटाइल में बिजनेस है. वेरी गुड. अरे उनके साथ भी बात वापस एक बार करते हैं. आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड क्या है? अविनाश जी. अविनाश, पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट है. अच्छा, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है. क्या नाम है? राम निवास कोठारी, फर्म RN कोठारी एंड एसोसिएट्स के नाम से. गुड. तो पुत्रना लक्षण पारणामाथी वो हमारी गुजराती में कहेवत है कि आपके पिताजी जब चार्टर्ड अकाउंटेंट थे तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं. लेकिन ये सपना आपने खुद ने देखा था कि पिताजी के कहने पर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का फील्ड पसंद किया?
पिताजी के कहने पर तो नहीं किया था, खुद का फैसला ही था। जब टेंथ ख़त्म हुआ तो चॉइस आई साइंस या कॉमर्स। तब मेरा पर्सनल व्यू ये था कि मेरे को कॉमर्स लेना है। पापा ने हमेशा से यही कहा, तुम्हें जिस फील्ड में जाना है जाओ, ज़रूरी नहीं है मेरी प्रैक्टिस है तो तुम्हें भी प्रैक्टिस में आना है। आज भी यही कहते हैं। तो ऑप्शंस हमेशा मेरे लिए ओपन रहे हैं। इट वॉज़ माई चॉइस टू डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। आई ज्वाइन कॉमर्स फॉर 11th एंड 12th, देन ऑल्सो आई कम्प्लीटेड माई बैचलर्स इन कॉमर्स अलॉन्ग विद चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बिकॉज आई फेल्ट दैट अ मैन ऑफ कॉमर्स हु नोज बिजनेस, हु नोज फाइनेंस, हु नोज लॉज, हैज़ अ कैपेसिटी टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी और फॉर हिमसेल्फ और फॉर हिज फैमिली, एंड दैट इज़ अ नोबल प्रोफेशन। एंड मोर ओवर आई मेट ऑल्सो से दैट दिस डिसीजन वॉज इन्फ्लुएंस्ड ऑल्सो बिकॉज आई हैव ग्रोन अप विद माई फादर, सो बाई लुकिंग अप एट हिम, बाई लुकिंग अप एट हिज प्रोफेशन, द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट ही गेट्स इन प्रोफेशन, आई फील दैट दिस प्रोफेशन इज द वन वेर आई हैव टू एंटर। राइट माधव जी, आपके साथ बात करेंगे। आप नेचुरली अभी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना पसंद करेंगे, उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कुछ करना पसंद करेंगे? सीए के साथ सीएस करते हैं, एमबीए करते हैं? अभी तक मेरी कोई प्लानिंग नहीं है। मैं अपना बिजनेस, अपना नया वेंचर सेटअप करना चाहूँगा सीए बनने के बाद। क्या रीज़न है? मेरे को अपनी मोनोपोली चाहिए, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। अरे क्या, मेरे को गुस्सा बहुत आता है उसका। सो आप पहले से इतने स्वतंत्र हैं, ये तो घर में भी आपकी जमती नहीं होगी? क्योंकि जो आदमी को पसंद ही नहीं है किसी के अंडर में काम करना, तो घर में तो अंदर काम करना ही पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी ओपिनियन ली जाती है हर जगह। गुड। और सूरत आपको कैसा लगा, सच में बताना? हाँ अच्छा है, डेवलप हो रहा है, हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटी है। हम जो न्यू सीए आएंगे, अच्छा मार्केट मिलेगा हमको, बाहर माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा, अपनी फैमिली के साथ भी अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। यानी फैमिली के साथ आप सूरत में रहेंगे, ये तो था ही। यानी हमारा सूरत का धन सूरत में ही रहेगा। नहीं तो फिर क्या होता है यार, हम मेहनत करते हैं फिर उसका फायदा कोई और लेता है, ये तो हम साइन नहीं कर सकते। चलिए बताइए, कितने पेपर्स आते थे टोटल? कितने पेपर्स आते हैं सीपीटी में? चार पेपर्स आते हैं ग्रुप एक में। नहीं, दो ग्रुप नहीं होते, वो दो सब्जेक्ट एक साथ टेस्ट लिया जाता है सर। पास चारों ही करने पड़ते हैं। और पहले ग्रुप में अकाउंट्स और अकाउंट्स और लॉ रहता है। अकाउंट 60 मार्क्स का रहता है, लॉ 40 मार्क्स का। सेकंड पेपर में इकोनॉमिक्स और मैथ्स रहता है 50-50 मार्क्स। तो एक ही बार आपने दिया और एक ही बार में आप? एक ही बार में पास। वाह, ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि नहीं तो फिर एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम, फिर एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम, फिर आदमी का दिमाग घूम जाता है, जब अभी नहीं करने का है, कितनी बार पढ़ूंगा, और डिप्रेशन भी कभी कभी आ जाता है। इन्होंने भी 11, 12 से तैयारी की थी शुरुआत से, आफ्टर 10th स्टैंडर्ड इन्होंने सीए शुरू कर दिया था। अविनाश ने भी आफ्टर 10th स्टैंडर्ड शुरू कर दिया था। मेरे ख्याल से नाउ इट इज अ ट्रेंड। जो स्टूडेंट्स का पहले से डिटरमाइंड है कि हमको सीए करना है, वो प्रॉपर प्लानिंग में और सबसे बेस्ट वे में प्रिपरेशन करते हैं। वेरी गुड। और कुछ बताओ आपके बारे में, आपके शौक क्या है? मैं बास्केटबॉल और चेस खेलना पसंद करता हूँ, और उसी में आगे खेलना पसंद करूँगा। गुड। अभी जब भी आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो स्पोर्ट्स दो प्रकार के होते हैं। एक आदमी सिर्फ स्पोर्ट्स खेलने के लिए खेलता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है, बस आई एम एंजॉइंग, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग इट। और दूसरा हमारे जैसे लोग हैं, जो भी कुछ खेलते हैं वो एक को एक लक्ष्य लेकर खेलते हैं, तो उसमें भी एक रीजन होता है पीछे। अब मैं जब क्रिकेट खेलता हूँ तो मेरा एक लक्ष्य होता है कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आप अगर आप बैट्समैन हो तो गेंद कैसे आती है तो कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। अगर मैं गेंदबाज हूँ तो उसको कैसे, उसकी गिल्ली उड़ाना, ये मेरा कॉन्सेंट्रेशन होता है। आपकी क्या राय है? सर चेस में इसलिए खेल रहा ताकि मेरा लॉजिकल माइंड डेवलप हो। चेस में हाँ होता ही है सर, क्योंकि उसमें जो 16 पीसेज होते हैं वो तो सबको मालूम है किस तरह चलेंगे, उन 16 पीसेज से सामने वाले को कैसे बीट करना है वो एक लॉजिकल माइंड ही थिंक कर सकता है। और बास्केटबॉल इसलिए क्योंकि उसमें एक्यूरेसी चाहिए और स्पीड चाहिए। बास्केटबॉल वर्ल्ड का सेकंड फास्टेस्ट गेम है, तो अपने आप एक्यूरेसी और स्पीड दोनों डेवलप होती है। मतलब सीए मींस स्टैटिस्टिक्स, सीए मींस अकाउंट। अभी वो जमाना नहीं रहा कि हम
बॉल पेन से लिखते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं। अब तो कैलकुलेटर का जमाना आ गया, अब मोबाइल में भी कैलकुलेटर आ गया, लेकिन इसके वजह से दिमाग कम पड़ गया है। आप कैसे करते हैं सर एक, आप भी कंप्यूटर पर ही करते हैं या कैलकुलेटर पर ही करते हैं या कुछ गिनती भी करते हैं? सर ट्वेल्थ तक तो हमने सब कुछ ओरल किया था, ट्वेल्थ के बाद दो महीने के वक्त हमने कैलकुलेटर ऑपरेट करना सीखा अच्छी तरह, और अब थोड़ा बहुत कैलकुलेटर पे करते हैं, ऐसे मैक्सिमम कैलकुलेशन ओरल हो जाते हैं। नाउ टेल मी द रोल ऑफ मिस्टर रवि चावचंद एंड आदित्य जी इन योर लाइफ। सर मैंने टेंथ के बाद ज्वाइन किया था, और फिर उसके बाद मेरे को आज तक कभी कोई भी कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने खुद अपनी सेल्फ गाइडेंस से और सर की मदद से पूरा का पूरा 11th और 12th अच्छी तरह क्लियर कर लिया, CPT में भी अच्छा स्कोर कर लिया और उससे ज़्यादा। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात आदित्य जी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, गुजरातियों की मोनोपोली सूरत में अब टूट चुकी है। अभी आप देखो अभिषेक कोठारी है, मेरे ख्याल से आप गुजराती नहीं है, माधव जोड़ीवाल ये भी गुजराती नहीं है, अब ये आ गया अभिषेक छपरवाल वो भी गुजराती नहीं है, सुराना भी गुजराती नहीं है, अग्रवाल गुजराती नहीं है, गोयल गुजराती नहीं है, यहाँ कोई गुजराती दिखता नहीं है, क्या रीज़न क्या हो सकता है? ऐसी बात नहीं, चंद्रेश भी था कहीं गुजराती रहे। हाँ नहीं, ये ऐसी बात पूरी तरह नहीं है, पर जैसे कि इंडिया का पूरा कल्चर रहा हुआ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो चीज़ हम सूरत में भी देख सकते हैं कि सूरत में भी सभी तरह के सभी रिलीजन के लोग हैं और सभी बैकग्राउंड के लोग सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड आगे चल करके एज अ ह्यूमन बीइंग हमें हमेशा बचपन से ये सिखाया गया कि डोंट सी कि कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है, ट्रीट एवरीबॉडी एज अ ह्यूमन बीइंग। सो दैट्स व्हाई वो चीज़ हम जब है ना आगे चीज़ें देख रहे होते तो हमें वो चीज़ आज के दिन में शायद इग्नोर कर देनी चाहिए। मैं इसके ऊपर कुछ बात जी जी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गुजराती हो या राजस्थान के हो या पंजाब के हो, ये जो पूरा वेस्टर्न इंडिया का बेल्ट है, इन सबके पास बिजनेस का माइंड 100% है। और गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं, उनके भी सूरत से काफ़ी इंडिया रैंक आए हैं। लेकिन अगर आपको ये है कि थोड़े गुजराती के स्टूडेंट्स के क्यों कम आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये जवाब राहुल मिश्रा, जिन्होंने 12th गुजराती मीडियम से किया है, और अभी हम रस्ते में जब आ रहे थे तो इन्होंने गाड़ी में हमें एक बात बताई थी। ओके, वो बात जरा बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों कुछ स्टूडेंट्स गुजराती मीडियम के मिसगाइड हो जाते हैं। ओके प्लीज राहुल, राहुल को माइक दीजिए। दर्शक दोस्तों, हम रवि चावचरिया और आदित्य चावचरिया के नेतृत्व में चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्षेत्र में फाइनल एग्जाम और कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPT में जिन्होंने सूरत में टॉप किया है, राष्ट्र में टॉप किया, उनके बच्चों के साथ बात करते हैं। जी सर, मेरा नाम राहुल है। सर नेचुरली क्या होता है कि जब हम गुजराती मीडियम में जब 10th के बाद जब पढ़ाई चालू करते हैं तब एक्चुअली हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता इस चीज़ के लिए। एक्चुअली हमारे मास्टर भी उस बारे में सोचते नहीं कि हम बच्चों को ज़्यादा गाइडेंस दें इस बारे में, इसलिए हम चलते हैं अपने अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। जब बस जो नॉर्मल स्ट्रीम है पढ़ाई का उसी में आगे बढ़ते रहो बस। इस तरह मैंने भी BCom किया। BCom में सेकेंड ईयर में एक्चुअली क्या हुआ, मैं एक मास्टर के वहाँ स्टेट्स का ट्यूशन लेने के लिए गया, तो सर से मैंने बताया कि सर मुझे CA करना है। तो सर ने मुझे पता है क्या कहा, सर ने कहा बेटा तुम CA मत करो। मैं बोला सर क्यों? सर बोले बेटा करोगे तो ठीक है, मगर उसके लिए आपको कम से कम 2-3 ट्रायल देनी पड़ेगी। हाँ सर, ये नेचुरल है, सबको यही सोचता है कि CA इज़ टू मच हार्ड, इसलिए सर ने मुझे कहा कि 2-3 ट्रायल आपको कम से कम देनी पड़ेगी। बोला सर ऐसा क्यों? तो सर ने कहा क्योंकि आप एक तो गुजराती मीडियम के हो, इट्स अ वेरी बिग फैक्ट कि आप गुजराती मीडियम के। सर मैंने कहा सर उससे क्या होता है? सर बोलते हैं आपको स्विच ओवर होने में बहुत तकलीफ पड़ जाएगी, इनफैक्ट आपको पहले तो जाओगे 2-3 महीने तो आपको कुछ समझ ही नहीं पड़ेगा। सर उन्होंने हमको 2-3 महीने का टाइम दिया, कुछ आपको समझ ही नहीं पड़ेगा, समझते समझते आपको 2-3 महीने हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपके पास टाइम नहीं होगा इस चीज़ को पढ़ने के लिए। तो सर मैंने उस दिन एक पहले दिन उनके पास गया ट्यूशन और दूसरे दिन से उनके वहाँ ट्यूशन छोड़ दिया। मैं बोला सर ये अगर इस तरह का हमको गाइडेंस देंगे तो हम आगे क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। फिर सर TY मैंने अपने आप से क्लियर किया और आज मेरा BCom ख़त्म हो गया। CPT का मैंने एग्ज़ाम दी फर्स्ट ट्रायल में, और BCom के एग्ज़ाम के जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म है उसके दूसरे दिन से मैंने CPT रवि सर के यहाँ चालू कर दिया। और सर सिर्फ 2 महीने में हमने और सर ने ऐसी प्रिपरेशन करी कि आज मैं फर्स्ट ट्रायल में ही पास हो गया, और जिन सर ने मुझको 3 महीने का टाइम दिया सर आज मैं 2 महीने में मेरा CPT क्लियर हो गया। आई हैव नो फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्विच ओवर। यानी जो भय है भय चिन्ह दिखा रहे हैं, ऐसा कोई भय चिन्ह है नहीं कि गुजराती बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। सर कोई भी कर सकता है अगर मेहनत करता है इंसान। सब इंसान एक ही किताब पढ़ते हैं, CA के जितने भी स्टूडेंट हैं सब एक ही किताब पढ़ के आगे बढ़ते हैं।
हाँ, मगर कोई ऐसे होते हैं जो मन से वीक हो जाते हैं, अपने मेंटली वीक हो जाते हैं, उनको लोग बाहर वाले हमारे सर क्लास में बहुत बार डिस्कस करते हैं ये चीज़ कि आपको बाहर से जो मोटिवेशन और ये मिलेगा बहुत कम मिलेगा, गाइडेंस जो मिलेगा बहुत कम मिलेगा, नेगेटिव ज़्यादा मिलेगा पॉजिटिव कम मिलेगा, इसलिए बच्चे क्या होते हैं कई बार हताश हो जाते हैं पहले एग्ज़ाम के पहले ही, और उसके वजह से क्या होता है उनके जो सोच होती है उनके जो एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन होती है बहुत वीक हो जाती है, इस वजह से अगर स्टूडेंट फेल होते हैं तो मैं तो समझता हूँ ये रीज़न होगा पर्सनली। रवि जी जो पूरी बात उन्होंने बताई बिल्कुल सही बताई, जो मेरा एक दृष्टिकोण है इसके प्रति मैं शेयर करना चाहूँगा, इसलिए शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मैं गुजराती हूँ, उन्होंने जो बताया बिल्कुल सही बताया कि एक तो गुजराती मीडियम का प्रॉब्लम तो होता ही है तो उनको थोड़ा तकलीफ ज़्यादा होती है खास करके सीबीटी में, और सीबीटी में जब पहली ट्रायल में वो फेल हो जाता है तो उसका जो एक कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास है वो थोड़ा कम हो जाता है, इसीलिए वो आगे वही फील करता है कि मैं तो इसी तरह से पास कर सकूंगा, दैट इज नंबर वन। और दूसरा ये कि ये सब बच्चे जिनके माता पिता सूरत के बाहर से आए तो एक लक्ष्य तय है उनके जीवन में कि यहाँ पर आके सुखी तो हुए, अब पैसा कमाना है, किसी भी तरह से यहाँ पर सेटल होना है, नाम कमाना है, क्योंकि अब सूरत तो कहीं से सूरत से बाहर अभी कहाँ जाएंगे, नहीं सूरत ही कर्म हुई है। तो ये जो उन्होंने बताया ना कि एक जिजी विषय होती है कि अब हमें कुछ करके दिखाना है, वो नेचुरली हम गुजरातियों में नहीं हो सकता है क्योंकि इतने साल हो गए हमारी पीढ़ी है चलती है क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये जिजी विषय उनमें होती है कि अभी तो यहाँ सूरत में अपने को रहना है, टिकना है, आगे बढ़ना है, क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, तो हमें कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, सर्वाइवल ज्यादा मजबूत है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि गुजराती बच्चे क्यों ऐसे टॉपर्स नहीं होते। नहीं वैसे लेकिन जिन गुजराती स्टूडेंट्स भी अभी जो वराछा के तरफ से काफी स्टूडेंट्स हैं जो अपने सौराष्ट्र की तरफ से आते हैं और वो अपनी फैमिली लाइक उनकी जॉब में है या सेटल हो रहे होते हैं, लास्ट ईयर चंद्रेश बुटानी थे, फिर देवांग तलसरिया थे, ओके रोहित पटेल थे, कई स्टूडेंट्स थे जो सीपीटी में सूरत के टॉप थ्री में थे और गुजराती मीडियम से पढ़े हुए हैं, गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट उनमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक एग्रेसिव एटीट्यूड था। जैसे राहुल ने हमें बताया कि अगर शुरुआत से हमारे दिमाग में एक नेगेटिव एटीट्यूड डाल दिया जाता है तो राहुल ने तो उस चीज़ को ही छोड़ दिया कि जो मेरे से नेगेटिव बात कर रहा है उन चीज़ उनके साथ मैं आगे कंटिन्यू करूंगा ही नहीं। लेकिन कई बच्चे उतने स्ट्रांग विल पावर के नहीं होते जिसको हम कहते इच्छा शक्ति, वो इच्छा शक्ति अगर हमारी पॉजिटिव है और हम अगर सही शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सीपीटी बहुत स्टूडेंट्स पास करते हैं जो गुजराती मीडियम के होते हैं। और मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, पूरे साल के रिजल्ट में जितने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स पासिंग परसेंटेज होते हैं गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स का पासिंग परसेंटेज मोर और लेस वही होता है, ओके सेम रहता है, प्रोवाइडेड कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग सही तरीके से ली होती है। जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं मैंने उनके पिछले 3 साल के अभी रिजल्ट्स के पूरे एनालिसिस किए हैं और मैंने देखा है कि गुजराती मीडियम के भी हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, ओके इंग्लिश मीडियम के भी आते हैं और दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स का रिजल्ट पासिंग परसेंटेज मोर और लेस सेम रहा है, बराबर रहा है। दर्शक दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि सीपीटी में सूरत में जो दूसरा हमारा दोस्त है वो भी फर्स्ट ही आया है, माधव के साथ उन्होंने बिल्कुल साथ में कॉम्पीट किया है, वो है अभिषेक छपरवाल। अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सूरत चैनल के स्टूडियो में और विशेष करके इस कार्यक्रम में। अभिषेक जी आपके बारे में कुछ बताएंगे, आपने कहाँ से स्कूलिंग की, कॉलेज कहाँ पर किया, अब आप क्या कर रहे हैं, आप आगे क्या बनना चाहते हैं ये बात। और जब मैं बोल रहा था मैंने जीजी विशा के बारे में बात की थी कुछ करके दिखाने की बातें, तब आप में एक जोश मैंने देखा, ये जोश के बारे में आप बताएंगे। हेलो मैं अभिषेक, सबसे पहले तो थैंक्स सर को, दोनों सर को कि उनकी गाइडेंस के अंदर सीपीटी इतना अच्छी तरह से पास किया और पेरेंट्स को और फ्रेंड्स को। और जहाँ तक बात है स्कूल की तो मैंने स्कूल महेश्वरी विद्यापीठ से किया था, मैंने स्कूल महेश्वरी विद्यापीठ से किया था। और जीजी विषय के बारे में बात कर रहे हैं आप, अग्रेसिवनेस के बारे में, अप्रोच के बारे में, तो वो तभी हो सकता है जब आप किसी प्रोफेशन को, जब जो चीज़ कर रहे हैं उसको अप्लाई करेंगे। और अगर तो सर के साथ में रह के सीए के बारे में इतना कुछ जानने को मिलता है, इतना कुछ मतलब पता चलता है नया नया, इन दी सेंस रिस्पेक्ट होती है सीए की, तो उस हिसाब से फिर आप जो कर रहे हैं उसकी भी वैल्यू होती है, तो डैट इज़ वाई अग्रेसिव अप्रोच अपने आप बन जाता है। और थोड़ा सा खुद में एक फायर होना चाहिए कि कुछ करना है मुझे, तो अग्रेसिव अप्रोच होता ही है, ऐसा हो ही जाता है अपने आप से। अभी आप कौन सी कॉलेज में पढ़ते हैं? अभी
मैं कॉलेज मैंने डिसाइड नहीं किया है फाइनली, मैं सूरत में ही देख रहा हूँ कहीं ऐसा। अरे सूरत में ही देखना पड़ेगा, सूरत के बाहर नहीं जा सकता वो। हाँ यहाँ से सीए बनोगे यहीं काम करोगे। हाँ यहाँ पे सीए करना बहुत अच्छा है, स्पेशली सर की जो गाइडेंस है एकदम वो एकदम सही है। हाँ तो सीए के साथ कुछ और भी करना पसंद करोगे कि आप सीए से सीमित हो जाओगे, या एमबीए या कुछ कंपनी सेक्रेटरी का जो भी कोर्स आता है वो भी आप करेंगे? जी बात भी मैंने सर से डिस्कस करी थी, तो सर ने बताया था कि स्पेशलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि आप सब फील्ड्स के जाक बन जाओ और आप किसी चीज़ में भी अच्छे नहीं हो। अगर आप सीए कर रहे हो और आप उसको उसी सीधा डायरेक्शन में करते हो, सही डायरेक्शन में सीधा के, तो आप उसमें अच्छे बनोगे, अच्छे बनोगे तो आपकी वैल्यू अपने आप होगी। बल्कि उसकी वैल्यू नहीं है कि आप सीए सीए साथ में कर लिए और दोनों भी अच्छे से नहीं किए, तो आपकी कोई मतलब नहीं आपका ये सब करने का। तो उस हिसाब से मैं फिलहाल सीए ही कर रहा हूँ और साथ में बीकॉम। आपने जो चार पेपर्स दिए इसमें आपके मार्किंग्स आ गए? चार पेपर्स में इंडिविजुअल मार्किंग्स नहीं मिलते हैं, सबका टोटल मार्किंग मिलता है, ऐसा है। पर पेपर सेग्रीगेशन नहीं मालूम पड़ता। हाँ, तो कितना टोटल हो? मेरा टोटल 184 हुआ 200 में से। अच्छा, यानी 92%। हाँ 92% एग्जैक्ट। इतना एक्सपेक्टेड था? एक्सपेक्टेड ज्यादा था या कम था? मेरे को इतना एक्सपेक्टेड नहीं था सर्टनली, क्योंकि कॉलेज के कॉलेज क्या एग्जाम के पहले मैं बहुत थोड़ा बिजी रहा था, थोड़ा सूरत के बाहर भी दोनों जाने का था, वो मेरा प्लान हुआ था, तो उसकी वजह से इतना सही से नहीं कर पाया। पर क्या था कि एग्ज़ाम के पहले जो सर की कोइन साइज नोट्स थे वो एकदम सही से पढ़े ना, तो रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया। दैट इज़ वाई एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो गया और होपफुली रैंक आ गया, तो एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को, इतना एक्सपेक्टेड नहीं। कितने साल से आप सूरत में हो? मैं सूरत में पैदा हुआ हूँ, तब से सूरत में ही हूँ। अच्छा, आपका बैकग्राउंड क्या है, पिताजी माताजी क्या करते हैं? पापा बिजनेसमैन हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, बेसिकली राजस्थान से हैं सब लोग, और यहाँ पे बिजनेस के सिलसिले से ही आए हैं, अप्रोच से ही आए हैं। राजस्थान के कौन से गांव से? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में कुचामन सिटी करके एक टाउन है, वहाँ से हैं। बहुत छोटे टाउन से बहुत बड़े सिटी में आ गए। हाँ, पर अब बॉर्न यहाँ पे हुए, अप्रोच यहाँ का रहा, तो बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है कभी भी, पर ठीक है। हाँ वहाँ से हैं, ऐसा कभी उनसे जाके बात करते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है। उन लोग कभी जाते हो? हाँ जाते हैं ना वहाँ पे, तो उनको बहुत खुशी होती है, सब लोगों से यहाँ पे मिलते हैं। हम भी राजस्थान हर महीने जाते हैं। ओहो, करके एक तीर्थ है गुजरात की बॉर्डर से थोड़ा बहुत अगर जाएंगे 60-70 किलोमीटर तो वो केसरिया जी करके हमारा तीर्थ है, सुना हुआ है। हाँ, तो वहाँ पर हर महीने हम एक बार दर्शन करने के लिए। ओके, अब आपके लिए भी दुआ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आगे करिए। तो शिल्पा जी से बात करते हैं। शिल्पा, आपको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, आप सूरत में सेकंड आई है। एक रंज तो होगा कि मेरा फर्स्ट क्यों नहीं आया, कितने मार्क्स कम हो गए आपके? सिर्फ 4 मार्क्स ये दोनों तुम्हारे दोस्तों के साथ कम हुए। कहाँ पर मार गिरी आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से थैंक्स। मुझे उम्मीद तो थी कि शायद इस बार तो मैं, जो सर ने एक बार बताया था कि दिव्या चौधरी शी स्कोर्ड 190, देन दैट टाइम आई जस्ट थॉट कि मैं उसका रिकॉर्ड तोड़ूंगी, मैं उसका रिकॉर्ड, आई जस्ट वॉन्ट टू अचीव मोर देन दैट, ताकि सब लोग मुझे भी जाने और मैं भी शायद ऐसा तो कर ही सकती हूँ। जब मैं एग्ज़ाम देकर आई मैंने सोचा इस बार तो पूरा 100% दूंगी। 12th तो ही पता नहीं क्यों स्कोर कम आ गया, सोचा नहीं था इतना। इस बार तो सोचा अब तो इस बार पक्का सबको दिखाना ही है। जैसे सर ने बोला था कि ज़रूरी है 12th का इम्पॉर्टेंट नहीं इतना, लेकिन जब तुम सीपीटी में दिखा सकते हो तुम्हारे अंदर एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। जब एग्ज़ाम देकर आई इतनी खुश थी, पापा ने बोला कि क्या लगता है कितना आएगा, मैंने कहा 180 तक आ जाएगा, एंड एक्चुअली 180 आ गए। जब मैंने पापा ने बताया कि रिजल्ट बताया दोपहर को 2 बजे कि तुम्हारे 180 है, मैं खुद इतना शॉक हो गई, सच्ची में 180 आ गए, जो सोचा था एकदम एग्जैक्टली वही। नहीं, तुम ज्योतिष भी बन सकती हो। सीए विद ज्योतिष, एक नई डिग्री हम खोल देते आपके लिए। सूरत के बड़े बड़े ज्योतिष हमारे दोस्त हैं, महेश भाई दसोरा, सुनील भाई डब्बू वाला साहब की मुलाकात भी करवा देते हैं, ताकि आप दूसरे का भी भविष्य देख लो। चलिए आगे क्या करना चाहती हैं? मैं तो पहले पूरा फुल इंटरेस्ट के साथ, पूरा कंसंट्रेशन के साथ खाली पहले सीए पे फोकस करना चाहती हूँ, और कोशिश करूँगी अगली बार इंडिया रैंक आए, शायद इस बार। और एक बात है कि लड़कियाँ जब आगे बढ़ती हैं तो हमेशा मुझे ये रहता है कि हमारे जो मेल, हमारे जो बच्चे हैं, उनकी एक अपॉर्चुनिटी तुम लोग छीन लेती हो, क्योंकि आप आगे जाके कुछ करती तो है नहीं, सीए भी बन जाओगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर घर में अगर आप काम करने लगेगी तो फिर सीए करने का कोई मतलब ही नहीं होता। प्रैक्टिस करना अच्छा है कि हमारे कोई और बच्चा अगर आ जाए, ऐसा थोड़ी होता है,
इंटरेस्ट है उसी के लिए तो कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं वही। राइट, तो सर जी आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आई? मेरे फैमिली बैकग्राउंड राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट से ही है। क्या बात है। और मुझे यहाँ पे आए हुए 11 साल हो गए, मैंने स्कूलिंग यहीं से की है पूरी। कौन से स्कूल से? अग्रवाल विद्या विहार। वेरी गुड। फिर अभी फर्स्ट ईयर है, मैं सोच रही हूँ एक्सटर्नल ही कर रही हूँ, कॉलेज भी बस। हाँ, बल्क मारने की बजाय एक्सटर्नल कर लेते हैं। पूरे गांव में वैसे जाना नहीं होता ही नहीं। बहुत ज्यादा फिर इधर से उधर जाना होता है, कॉलेज जाओ फिर उसके बाद में ट्यूशन अटेंड करो, इससे अच्छा पूरा एकदम पूरा इंटरेस्ट वहीं पे देकर पूरा ध्यान वहीं पे ही लगाए सीए में। जब करना ही जो कॉलेज अटेंड करते जाते वो भी कोई पूरी वहाँ पे तो जाते हैं ही नहीं कोई, तो फालतू तो मतलब क्या है वहाँ पे जाके पूरा। आपके फादर मदर क्या करते हैं? हाँ, आपके फादर मदर क्या करते हैं? मेरे फादर ऑटो फाइनेंस में है और मम्मी हाउस वाइफ है। वेरी गुड। तो आपकी भी बड़ी मतलब शुभकामनाएं आपका हमारे आपके साथ है। रवि जी, ये जो प्रश्न मैंने पूछा बहुत जानबूझ के पूछा, आपने कोई स्टडी तो किया होगा कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मेल कितने परसेंटेज है, फीमेल कितने परसेंटेज है, पास मेल। मैं दो तीन सवालों के जवाब दूंगा। पहले तो आपने कहा कि आप लड़कों की अपॉर्चुनिटी छीन लेते हैं, बट लड़कियां जब कंपटीशन में आती तो लड़के सुधर जाते हैं, परफॉर्मेंस और अच्छा करने लग जाते हैं। ओके, कि भाई ये भी बिकॉज गर्ल्स आर जनरली, और अभिषेक तो वही बोल रहा है जी वीसा, अगर उसके पीछे मार पड़ गई तो पागल हो जाए। सी बेसिकली जहाँ पे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा ओके वहाँ पर ऑब्वियसली आप और हार्ड वर्क करेंगे। ओके, सेकंड कि ऐसा नहीं है कि गर्ल्स सीए कंप्लीट करके ओके फिर प्रोफेशन में नहीं जाती है। पिछले दिनों में लास्ट 4 ईयर्स में हमने जो भी सीए फाइनल के स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं उनमें काफ़ी फीमेल पास आउट हुई हैं, और वो गर्ल्स सीए फर्म्स में और इंडस्ट्री में कॉरपोरेट्स में दे आर इन प्रैक्टिस, और वो अपने नॉलेज अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज कर रही है। ओके, और कुछ गर्ल्स अगर फैमिली में है तो अपने फैमिली बिजनेस को मैनेज कर रही है, फैमिली बिजनेस के सिस्टम्स को मैनेज कर रही है, बट बेसिकली उनका वो नॉलेज वो लर्निंग वो यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि आपकी कोई सीट्स रिजर्व है कि आपने वो सीट्स ऑक्यूपाई कर ली तो दूसरों की सीट्स चली गई। यहाँ तो जो भी वर्क करेगा उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, सीधा रिश्ता है वर्क और रिवॉर्ड का। राइट, दर्शक दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और हमारे और दोस्त थे हिमांशु अग्रवाल जिन्होंने 89% प्राप्त किए, 200 में से 178 मार्क प्राप्त किए, मोहित गोयल जिन्होंने भी सूरत में थर्ड रैंक प्राप्त किया है 200 में से 178 89%। हिमांशु मोहित आप दोनों का भी बहुत बहुत बधाई। मोहित नहीं आया। तो आप हिमांशु है, मोहित आउट स्टेशन है। राइट, तो हिमांशु जी काफ़ी कसमकस चली होगी क्योंकि कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, 4 मार्क उनके साथ तो तुम्हारा 2 मार्क का डिफरेंस है, इनके साथ 6 मार्क का डिफरेंस है, ये कहाँ चला गया ये मार्क्स? नहीं, एक्चुअली मैंने 12th के बाद ज्वाइन किया था सी ए सी पी टी और उसके बाद मेरा 12th का रिजल्ट आ गया था तो उसकी थोड़ी ज़्यादा खुशी हो गई थी 12th के रिजल्ट के बाद। तो ज़्यादा सेलिब्रेशन में मार्क इधर के कम हो गए? नहीं, बस थोड़ा उधर ज़्यादा मस्ती में मन था कि 12th की बोर्ड खत्म हुई है अभी क्या पढ़ाई करेंगे, थोड़ी बाद में कर लेंगे, फिर थोड़ी बाद में 12th का बोर्ड का रिजल्ट आ गया, फिर थोड़ा थोड़ी और मस्ती कर लेते हैं, ऐसे करते करते थोड़े कम हो गए बस, फिर जितने एक्सपेक्टेड थे उतने ही आए मेरे तो मार्क्स। और जिंदगी एक सफर, ये सुहाना सफर कर दिया, जीना है जीतना है तो बस आराम से जियो, प्रेम से जियो, खा पी के जियो, क्या फर्क पड़ता है बाबू मुसाई। नहीं, बस मेहनत तो पूरी की थी, बस फिर रिजल्ट भी उतना ही आया जितनी की थी जी। अभी आप हिमांशु अग्रवाल हैं, हाँ, तो आपने भी अग्रवाल विद्या विहार से ही प्राप्त किया? नहीं, मैंने नहीं, मैंने एसडी जैन मॉडर्न स्कूल से पढ़ा हुआ हूं मैं। हाँ, कैलाश जैन उनके चेयरमैन है, उधर से पढ़ा हूं, और मैं 12th में भी गुजरात टॉपर था। अभी सीबीएसई में गुजरात सेकंड रैंक था मेरा। स्कूलिंग कहाँ की? एसडी जैन मॉडर्न स्कूल से ही पढ़ा हुआ मैं 6th स्टैंडर्ड से। आप कहाँ से? मैं राजस्थान से हूँ, मम्मी पापा दोनों झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से हैं, और पापा यहाँ पे बिजनेस के लिए आए थे तो तब से हमारी पूरी फैमिली यहीं सेटल्ड है, मोर देन 20 ईयर्स से। टेक्सटाइल में है पापा का, शूटिंग्स और शर्टिंग्स का। वेरी गुड। तो आपने जो ये 178 प्राप्त किए वो भी एक्सपेक्टेड थे कि या कम हुए? नहीं नहीं, वो तो एक्सपेक्टेड थे कि उसके अराउंड आएंगे, अब वो परफेक्ट इतने नहीं थे कि इतने आ जाएंगे, 175 के अराउंड एक्सपेक्टेड थे कि आ जाएंगे तो उतने आ गए। आज कितने बजे पता चला आपको? 2 बजे पता लगा था कि रिजल्ट। कैसे पता लगा? मेरे फ्रेंड का फोन आया था कि रिजल्ट आ गया, मैं एक्चुअली बाहर था
तो उसका फोन है, मस्ती करने का है? नहीं नहीं मैं काम से ही गया हुआ था। अरे मेरे कहाँ बोला है गए थे। नहीं नहीं तो बस बाद में बीच में उसका फोन आ गया कि रिजल्ट आ गया, उसको तो टर्न कर दिया बस, तो सीधा नहीं रास्ते में ही चेक कर लिया था मैंने। अच्छा। तो रास्ते में चेक कर लिया था फिर सीधा घर चला गया काम करे भी नहीं। राइट, ये ट्यूशन क्लासेस में क्या प्राप्त क्या करते हैं? एक्चुअली सी ए के लिए गाइडेंस तो चाहिए ही होता है, सब बोलते हैं ट्वेल्थ के बाद, थोड़ा ट्वेल्थ को होता है लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म आती है ट्वेल्थ के बाद वो तो हमको ट्यूशन क्लासेस में ही पता लगता है कि पेपर कैसा आएगा, पढ़ना क्या क्या है। सी ए पूरा प्रोफेशनल हो जाता है और स्कूल के अलावा भी हमको बहुत चीज़ें पता लगती है, वो स्कूल से तो पूरा डिफरेंट ही होता है। वहाँ पर इनफॉर्मल एजुकेशन होता है लेकिन प्रोफेशनल एजुकेशन होता है कि क्या पढ़ना है, हमको प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में पता लगता है बुक्स के अलावा, तो वो सब ट्यूशन्स में ही पता लगा था हमको कि पेपर कैसा आएगा, सी ए बेसिकली है क्या, वो सब ट्यूशन्स में ही पता लगता है। बाहर तो ऐसे ही रूमर्स फैले हुए रहते हैं, कुछ अच्छे कुछ गंदे, मेन ट्यूशन्स ही बताती है। में था अंग्रेजी माध्यम में पढ़ोगे? हाँ इंग्लिश मीडियम। आपको कोई सी ए की परीक्षा देने में कोई ना ना कुछ कुछ डिफिकल्टी नहीं आई थी? राइट, आगे भी आप फाइनल करके सी ए से बस आप संतुष्ट हो? हाँ, मैं मेरे पापा के बिजनेस में ही ज्वाइन करना चाहूंगा सी ए करने के बाद। आपने आपका एक शौक तो बता दिया मजा करने का, हाँ दूसरे क्या क्या शौक है? दूसरा मैं फ्री टाइम में क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, उसके अलावा इंटरनेट पे सर्फिंग और बस फिर पढ़ाई। फेसबुक? हाँ फेसबुक, ट्विटर, गूगल, सब 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 मेरे मेंबर बन जाना भाई। पक्का। और क्या ख्याल है, आर यू हैप्पी इन सूरत? हाँ बहुत सही है सूरत का। आपको क्या अच्छा लगता है? देखो जैसे अभी मेरे को मार्केट इन सब का तो कुछ नॉलेज हुआ नहीं है अभी, लेकिन मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि मॉल्स वॉल्स का जहाँ पे मैं जाता हूँ वहाँ पे मैंने डेवलपमेंट देखा है सूरत के एरिया में कि लास्ट 5 इयर्स तो में जाने वाले थे इसलिए उन्होंने डेवलप किया। ना ना ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लास्ट 5 इयर्स में सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स के इंडिविजुअल शोरूम भी सूरत में खुल चुके हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है सूरत के लिए और अभी भी और डेवलप हो रहा है सूरत इसी एरिया में। तो मेरे को उस हिसाब से लगता है कि सूरत में सारी अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास, प्लस यहाँ पर हमको ट्रैवलिंग टाइम सबसे कम लगता है। हमारा मेन एडवांटेज यही है कि हम लोग सूरत के कोई भी कॉर्नर से कोई भी कॉर्नर में 15 मिनट्स मैक्स टू मैक्स स्टेशन तक जाने में लगते हैं हमको, और दूसरी सिटी जैसे दिल्ली मुंबई इन सब में 2-2 घंटे तो हमको खाली ट्यूशन क्लासेस आने जाने में लग जाते हैं। वो यूं हो जाता है, यूं। हाँ वो भी तो उस हिसाब से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, हम दूसरी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं उस काम उस टाइम में। राइट, तो आपके साथ भी बात करने का बहुत बहुत मजा आया। हिमांशु जैन, हिमांशु जैन, जैन। तो हिमांशु जी इसमें नाम नहीं, उनका फोर्थ है वो सूरत में। अच्छा, तो हिमांशु जी आप भी बताइए, अभी तो बहुत सारी बातें हो चुकी है, ये फ्लोर आपका है, आपको जो आपको शेयर करना है आपके विचार प्लीज शेयर विद अस। कुछ ऐसा बताओ कि तुम्हारे दोस्तों को प्रेरणा मिले, तुम्हारे जीवन में से इंस्पिरेशन लेके कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से राइटिंग एबिलिटी को डेवलप करना चाहिए, ओरली पढ़ने के लिए कुछ मतलब क्या बोलते हैं गोखण पट्टी करनी चाहिए या तो मेमोराइज कैसे करना चाहिए, थोड़ी ये बातें बताइए आप। पहली बात तो मैं अपने सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, मेरे सीपीटी के रिजल्ट में इनका बहुत हाथ है पीछे, और मैं अपने सूरत में ही किया है स्कूल, तो 5th तक सेंट मार्क्स में था, फिर बाद में 6th से जेवियर्स में आया और मैंने उधर ही 12th तक कंप्लीट किया कॉमर्स। और मैं बेसिकली हूँ राजस्थान से, मेरा फैमिली बैकग्राउंड है पर मैं बॉर्न रायपुर में हुआ हूँ और सूरत में आके हम लोग सेटल हुए फिर। और इधर मैं पहले 10th के बाद था ज्वाइन करने का सीए, फिर ऐसे डिले करके 11th में हुआ, फिर डिले करके वापस 12th के बाद वापस, तो फिर वापस ज्वाइन किया 12th के बाद, फिर ऐसा लगा कि कर देगा 11th से बहुत अच्छा रहता क्योंकि जो नॉलेज मिलती है सीए की वो 11th 12th में भी काम आती है और लाइफ टाइम के लिए मतलब बहुत काम की होती है। और ये 2 महीने में मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया सर के साथ, बेसिकली मैं फ्रेंड ग्रुप में सब मतलब अच्छे थे पढ़ने में और मेरे को मोटिवेशन भी उसके कारण ही मिलता था। 12th में भी मेरा आया 90%, तो उसमें भी सब लोग ने बोला पार्टी, फिर हम इधर भी नहीं हो पाया, फिर
और सीपीटी में भी सब लोगों ने बोला था, पहले ही फ़ोन करके बोल दिया था कि 175 आएंगे, तो उससे भी बहुत मोटिवेशन, फ्रेंड सर्कल से बहुत मिला, मेरे पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, माय ग्रैंडफादर, माय माय फादर एंड मदर। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि दो में सीए की कोचिंग 11th 10th के बाद चालू कर दे तो बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है कि दो महीने में करने और 11th से करने में बहुत फ़र्क आ जाता है थोड़ा, कि थोड़ा उसके बेसिकली सीपीटी के बारे में थोड़ी नॉलेज आ जाती है। और क्या 11th 12th में हमको स्कूल में बस ऐसे ही पढ़ा देते हैं, पर कोई ऐसे मन से पढ़ाने की इच्छा नहीं होती है कोई टीचर को, सब ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए। और ये बेसिकली ये मेरा जो सीपीटी का बैकग्राउंड था, मेरे स्कूल जैसे ही था, क्योंकि हमारे इधर ट्यूशन ही मेरी सब कुछ था, रवि सर ही थे सब, रवि सर और आदित्य सर ही थे टीचर गुरु जो भी, इधर और स्कूल होती नहीं है, सीपीटी के लिए यही थे हमारे। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छा है, पहली बार एक्सपीरियंस हो रहा है, ऐसे इतना अच्छा लग रहा है कि जितने मैंने वैसे सीपीटी में इतने एक्सपेक्ट किए थे 175 और अराउंड ही आ गए 176 और ऊपर आ गया। अभी तक मैं आगे सोच रहा हूँ कि सीए कंटिन्यू करूँ, फिर आगे सोचा कि इसके आगे क्या करना है, प्रैक्टिस तो अभी सूरत में ही सोच रहा हूँ, अब फिर आगे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे मैं कंटिन्यू करूँगा। राइट हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रवि जी, मेरे ख्याल से 45 मिनट्स का ये एक पीरियड यहाँ पर ख़त्म होता है और इसी के साथ हमारी बात भी यहाँ पर ख़त्म होती है। आप दोनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके नेतृत्व में ये बहुत फूले फले हैं और भी बच्चे फूले फले, तो सभी हमारे दोस्तों के साथ इस कार्यक्रम में शेयर करने के लिए शुक्रिया अदा करके आप सबसे विदा लेते हैं। आपके दोस्त निखिल भद्रासी और सूरत चैनल के मेरे स्टूडियो के साथ ही राहुल तानलेकर, निखिल वासीवाला, सभी को आज्ञा दीजिए। Thank you.